सबसे बड़ी वजह है जो हमारे एसटीपी प्लांट्स हैं सुज ट्रीटमेंट प्लांट्स वो है जो सारा नो you सिटी know, में से सारा गन साफ करके जिनको पानी साफ करके वो पानी जाना चाहिए नदी में लेकिन वो एसटीपी प्लांट सारा जो है वो जो एफ्लुएंस हैं जितने आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट है आपका डोमेस्टिक एफ्लुएंस है वो सारे उसमें जा रहे हैं और वो क्लीन नहीं हो रहे इस टाइम में अप्रोक्सिमेटली आई थिंक दिल्ली में सैंतीस के करीब एसटीपी प्लांट्स हैं जिनमें से आई थिंक बाईस और तेईस या चौबीस मतलब वेरी करता है यू you नो know, उनके uh, जो विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स यू नो एज ए पर्सन जो उसके नॉर्म्स uh, uh, हैं वो वायलेट हो रहे हैं तो नेचुरली वो सारा गन जब uh, यमुना में जा रहा है तो वो नदी साफ कैसे होएगी और वो नजर आ रहा है दिख रहा है ये भी नहीं है किसी को टेस्टिंग में करने की जरूरत है आम सिटीजन एस टी पी प्लांट्स पे जाकर दिखा रहे हैं पूरा साल डाइंग यूनिट्स ऐसे ऐसे इतने वायोलेशन चल रहे हैं इस टाइम पे इतनी इतनी वीडियोस और कंप्लेन्ट्स हो रही हैं अगर वो सारा साल आप उसका ख्याल नहीं करेंगे तो नेचुरली ये अब होगा ही होगा और फोम इसलिए आती है क्योंकि यूजली ये जो प्लांट्स यू you नो know, पानी के अंदर वगैरह होते हैं वो उससे ये फोम बनती है पर ये हमारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट बीच में जा रहा है वो पानी के साथ घुलकर वो ये गैसेस दे रहा है अमोनिया फॉस्फेट्स वगैरह वो सारे जो टॉक्सिसिटी है वो सब बाहर उभरती है ये एनुअल आकरण नहीं है देखिए क्या है कि चाहे वो एयर पोल्यूशन है चाहे ये हमारी रिवर पोल्यूशन है ये इस टाइम पे नजर आ रही है लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप ये सारा साल साफ है ये वही हालात हैं उसके अंदर जो कॉन्टो मैं आपको बोल रही हूं एसटीपी प्लांट्स और अ, जो, जो जो भी टेस्टिंग हो रही है वो सब यू नो वायोलेशन है वहां पर बहुत बड़ी वायोलेशन हो रही है लेकिन क्योंकि कानून तो है यू नो you know, लेकिन कानून एनफोर्स नहीं हो रहा क्योंकि ये अब डेली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी का काम है जो जिनको ये यू you नो know, हर डेली बेसिस पे इनको चेक करना है ये एक स्ट्रिक्टनेस लानी पड़ेगी जहां से ये वायलेशन हो रही हैं, ये इंडस्ट्री चल रही है ये कानून तोड़ा जा रहा है जबकि एनजीटी के ऑर्डर्स हैं, सब कुछ है कि ये बंद होनी चाहिए फैक्ट्रीज और ताले लगे हुए नीचे लेकिन छत के ऊपर कपड़े लाखों मीटर कपड़ा सूख रहा है तो ये अगर लोगों को पता है तो ऑफिसर्स को क्यों नहीं पता अब अब पूछेंगे कि हां ये क्यों नहीं है क्योंकि आगे अब जो गवर्नमेंट को करना चाहिए था कि डीपीसीसी में इस टाइम में पैंतालीस परसेंट वेकेंट पोस्ट हैं इससे भी ज्यादा सो so, uh, जब लोग ही नहीं होंगे जमीन पे ये ग्रीन एप्स और ये सब जो बातें हैं ऐप कोई जमीन पे जाके तो कम्प्लेन देखेगी नहीं तो उस पर ज्यादा जोर डालने की बजाय सबसे पहले जरूरी बात है कि हमें ऑफिसर्स चाहिए जो लोग काम करेंगे जमीन पर जो वायलेशन को रिपोर्ट करेंगे जो उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे सो so, ये ये सब चीजें हैं जो सिस्टमिक चेंजेस होते हैं जिसको कहते हैं जो पूरे साल एक आपने सिर्फ दिखावे के लिए काम नहीं करना